नमस्कार, मैं हूं हेमंत उपाध्याय, एडवाइजर आईटी एंड टेलीकॉम कंज्यूमर वॉइस। आज हम बात करेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ केबल टीवी के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया है जिसके तहत पूरे कंट्री में अब डिजिटल सिस्टम ही लागू होगा केबल टीवी के ऊपर। आप अब एनालॉग सिग्नल नहीं देख पाएंगे, और सिर्फ डिजिटल ही नहीं, ये कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होगा जिसमें आपका एनक्रिप्शन भी होगा सिग्नल का पूरा। तो आप सिंपल सिग्नल आपको रिसीव नहीं होगा। चारों मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बेंगलोर में ये सिस्टम अप्रैल 2012 तक लागू करना ज़रूरी है। इसके तहत हर टीवी के साथ एक डिजिटल सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ेगा, जो सेट टॉप बॉक्स केबल सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करेगा, जिसकी डिफरेंट स्कीम्स वो आपको बताएगा, जिसके तहत आप उसका पेमेंट उसको रेगुलर करेंगे, और वो आपको जो सिग्नल अभी आपको केबल के थ्रू मिल रहा है वो इस सेट टॉप बॉक्स के थ्रू मिलेगा। इसमें कंज्यूमर के फायदे ये हैं कि एक तो पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, दूसरा जो सिग्नल बार बार ब्रेक होते थे वो कम हो जाएगा, तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो अभी जो रफली 100 चैनल ही हमको देखने को मिल रही थी केबल के थ्रू, वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स केबल के थ्रू अब आ सकेंगी डिजिटाइजेशन की वजह से। दूसरी तरफ जो सर्विस प्रोवाइडर्स का फ़ायदा इसमें यह है कि अभी जो सिग्नल्स को लोग टैप कर लिया करते थे, अनऑथराइज्ड सिग्नल टैपिंग का जो सिचुएशन होती थी उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। अब बिना सेट टॉप बॉक्स के कोई भी टीवी ये सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा। सरकार को इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी जो लीकेज ऑफ टैक्स होता था, रिवेन्यू लीकेज जो होता था, वो अब नहीं हो पाएगा। हर कंज्यूमर का टैक्स उनके पास बराबर पहुँचेगा। तो तीनों का ही इसमें फायदा है, और ये सिस्टम अगले महीने से लागू होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी सभी केबल सर्विस प्रोवाइडर्स इसके लिए तैयारी कर चुके हैं। TRAI और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी इसके रूल फॉर्मुलेशन का काम शुरू कर दिया है, और इस महीने के आखिर तक इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार हो जाएंगे और ये सिस्टम अमल में आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। आप अधिक जानकारी के लिए कंज्यूमर वॉइस मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर सब्सक्रिप्शन कॉन्टैक्ट 4733-1014, या फिर हमें ईमेल करें corporate@consumer-voice.org पर।